देश से दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा ये तो है कि पाकिस्तान का मैप कुत्ते जैसा लगता है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा ये भी है कि पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन में से करीब 1% पॉपुलेशन यानी कि लगभग 23 लाख मेल्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा वाइफ है। बहुत तेज हो रहे है। और क्या आप ये जानते हो अगर आप परफ्यूम लगाकर जंगल में जाते हो तो सिर्फ परफ्यूम के स्मेल आने के कारण जंगली जानवर जैसे कि लायन और चीता जो है वो आप पर हमला करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट जानने वाले हो कि जानने के बाद आप ये बोलने लगोगे कि भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया था बे, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 5, एक रिसर्च के हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ और कोई नहीं बल्कि IM Fine है। मतलब IM Fine एक ऐसा झूठ है जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोला जा चुका है। और फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 4, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सॉन्ग तो आपने एक न एक बार जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि आप इस सॉन्ग के पीछे का फैक्ट जानकर हैरान होने वाले हो। क्या आप जानते हो कि जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, जो कि इंडिया के पहले इंसान थे जिन्होंने अंतरिक्ष में गया था, तो अंतरिक्ष में जाने के बाद उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी यानी कि इंदिरा गांधी, उन्होंने राकेश शर्मा को एक वीडियो कॉल किया था और इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा के साथ वीडियो कॉल करके ये पूछा था कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिख रहा है। तो राकेश शर्मा ने उस समय कहा था कि सारे जहां से अच्छा, और उसी समय से ये सारे जहां से अच्छा वाला गाना बन जाता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। A few moments later. फैक्ट नंबर 3, इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है, किस चीज का इमेज हो सकता है ये? शायद लकड़ी के राख का या फिर किसी टायर को जला दिया गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरानी के मारे मर जाओगे कि ये इमेज और कुछ का इमेज नहीं बल्कि एक इंसान का इमेज है जो कि एकदम जल चुका है। व्लादिमीर कमारोव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि स्पेस में काम कर रहे थे, पर अचानक एक घटना के कारण व्लादिमीर कमारोव का कनेक्शन स्पेस से खत्म हो जाता है और वो तुरंत धरती की तरफ गिरने लगते हैं, और गिरने के बाद व्लादिमीर का हाल कुछ इस प्रकार का हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप परफ्यूम को लगाकर जंगल में जाते हो तो क्या जानते हो कि परफ्यूम का जो स्मेल होता है उसे सुनकर जंगली जानवर ये समझने लगते हैं कि आसपास में कोई दुश्मन है, और जंगली जानवर परफ्यूम लगाने वाले इंसान पर हमला भी कर सकते हैं। तो अगली बार आप जब भी परफ्यूम लगाकर जंगल में जाने की कोशिश करो तो आप ये सोच लेना कि ये दिन आपकी आखिरी दिन हो सकती है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो नहीं है क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप हमारे चैनल पर और भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 1, अब बारी आ चुकी है पाकिस्तान के बारे में सबसे खतरनाक सच्चाई जानने का। 21 फरवरी 1999 को फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने एक पीस ट्रीटी साइन किया था, इसको लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लाहौर डिक्लेरेशन था इसमें ये बात साफ साफ लिखा गया था कि अगले आने वाले सालों में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से कभी भी लड़ाई नहीं करेगा और ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर हमेशा रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर उतना ही विश्वास किया जा सकता है जितना भारत के लोग अंग्रेज पर विश्वास करते थे, यानी कि जरा सा भी नहीं। लगभग 2 महीने ही बाद यानी कि 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने इस वादा का धज्जिया उड़ाते हुए पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया जिसे कारगिल वार से भी जाना जाता है। मतलब आप समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और हाँ अपने दोस्तों को भी बता देना कि आप किस गजब इंसान का वीडियो देखते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।